प्रदेश की 27 सीटें खाली हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार स्थायी रहेगी या फिर नहीं, इसका फैसला उपचुनाव पर टिका हुआ है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस लगातार रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस जहां वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी सीधे जनता के पास पहुंच रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस के करीब 76,000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं आने वाले उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में महासदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने महासदस्यता अभियान के दौरान एकजुटता का भी संदेश दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि 3 दिन के महासदस्यता अभियान कांग्रेस के करीब 76,000 समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ग्वालियर चंबल संभाग के चारों लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 76,361 कार्यकर्ताओं का मैं बीजेपी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी एकाकार होकर मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, यह मेरा अटल विश्वास है। वीडी शर्मा के अनुसार ग्वालियर लोकसभा से 18,334, मुरैना लोकसभा सीट से 24,989, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से 19,563 और भिंड लोकसभा सीट से 13,475 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को फर्जी बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा, ऐतिहासिक झूठ। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के फर्जी सदस्यता अभियान में 2 दिन में 35,000 सिंधिया समर्थक भाजपाई बने। सिंधिया फिर गुना में निपट क्यों गए? क्या यहां बीजेपी थी ही नहीं? यदि थी तो क्या पहले से ही सिंधिया बीजेपी का गठजोड़ है? जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।